वेलकम बैक माय चैनल जिया गोस्वामी फैशन। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा जो वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी समर वेकेशन आने वाला है या आ गया है। तो क्या होता है ना कि जब समर वेकेशन जैसे ही इन करता है तो आपके मीन्स शहर में या फिर गांव में अनेक प्रकार की मीन्स फ्रूट या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो फलना शुरू होता है, जिसमें से आम होता है, करौंदा होता है, आंवला होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनके अचार घर में बनना शुरू होता है। तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता है, बट हाँ मैं आम का अचार बनाना जानती हूँ और आंवले का अचार बनाना जानती हूँ, मिर्ची का अचार बनाना जानती हूँ और मीन्स दो तीन चीज़ और भी है, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं जो गाँव में मिट्टी के अंदर इतना बड़ा ओल का अचार मैं बनाना जानती हूँ। तो ओल का अचार भी, चटनी भी, मैं अनेक प्रकार की सब्जियाँ भी ओल से बनाती हूँ। तो आज मैं अपने हस्बैंड से कही क्यों ना मैं अचार ट्राई करूँ मिर्ची का, क्योंकि मैं दरभंगा अपने मामा जी के यहाँ रहती थी, कुछ कारण बस मैं 2 महीने मामा जी के यहाँ रही थी। तो वहाँ पे मेरी मामी जो है लाल मिर्च का अचार बनाया करती थी, तो मैं इनको बताई थी कि मुझे बनाने तो नहीं आता है बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो उन्होंने लाल मिर्च मुझे ला कर दिया है और उस अचार में लगने वाली जो चीज़ें होती है जैसे मसाला, वो सारे चीज़ भी लाकर वो दिए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट क्यों ना एक बार लाल मिर्च ट्राई किया जाए। तो जैसा भी बनेगा मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी, आप सभी हमारे सब्सक्राइबर को मैं शेयर करूँगी। यदि आपको पसंद आता है तो आप भी अपने घर पे ट्राई करें। और क्या होता है ना, जब आप पराठा बनाते हैं और थोड़ी बहुत भुंजिया रखते हैं जैसे भिंडी की, आलू की, तो आपकी इच्छा होती है कि इसके साथ कुछ मिर्ची हो जाता तो अच्छा लगता। और मार्केट वाली मिर्ची मतलब अचार पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जता सकते हैं, पता नहीं वो किस तेल में बना दिया होगा, किस मसाले से बना दिया होगा, धूल मिट्टी कण जाता है। तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं मार्केट के अचार को, और घर का बना हुआ यदि मिल जाता है तो या तो मेरी माँ भेजती हैं तो मैं खाती हूँ, नहीं तो नहीं, मार्केट का तो नहीं लेती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची का अचार, लाल मिर्च का अचार, जो कि मैं सुबह से इन चीज़ों में लगी हुई थी। सबसे पहले मैं मिर्च को एकदम से पानी से धोई, फिर उसको एक अच्छे कपड़े से उसको साफ करी, पोछी और एक ट्रे में उसको सजाया और छत पे ले जाकर उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए सूखने छोड़ दी। तो अभी मैं थोड़े ही देर पहले छत से मिर्च को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मिर्च दिखाऊंगी कि वो मिर्च कैसा लगता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे, लेट्स गेट स्टार्टेड। खाने वाली हूँ आपको लाल मिर्च, ये यूं तो नहीं दिख पाएगा, ऐसे दिखेगा, ये देख सकते हैं मैंने कितनी बारीकी से इसको साफ किया है, बहुत अच्छे से एकदम से साफ किया है। और इसकी साइज जो है आप देख सकते हो इस टाइप की है, और मैं इसे अभी सारे को मीन्स ये जो डंटल है उसको हटाऊंगी, फिर उसमें कट लगाऊंगी और उसके अंदर जितने भी मिर्ची का जो दाना होता है उन सब मिर्ची के दाने को बाहर करूंगी। उसके बाद मैं सारे मसाले को तैयार करूंगी, फिर इसमें भरूंगी, फिर मैं धूप में डालूंगी। तो ये सब करने में मुझे लगभग लगता है 2 से 2.5 घंटा लगेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे और इन्जॉय करें। धनिया, राई, जीरा, मिर्च,
उसी में मैं जीरा भी डाल दूंगी और ये रहा हमारा मेथी और ये रहा सौंफ। थोड़ा सा सौंफ मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। तो मैंने चार मसाले को इसमें डाला है और इसे मैं थोड़ा सा रोस्टेड करूँगी ताकि अचार में इसकी खुशबू बेहतरीन तरीके से आ जाए, क्योंकि अचार में जो खुशबू होता है ना वही आपको मींस खाने के लिए मन करने लग जाता है कि अरे अचार है मुझे भी खाना है। देखते हैं एकदम से ये रोस्टेड हो गया है और मैं इसे अपने जार में भर रही हूँ क्योंकि इसे मुझे दरदरा पीसना भी है। तो दरदरा पीसने के लिए सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ठंडा भी इसे करना होगा। तो हमने सबसे पहले चार मसाले को थोड़ा रोस्टेड करके पीस लिया था, उसके बाद वो जो मिर्ची का बीज था और सरसों था उसको पीस लिया था और सभी को मिक्स करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें मैं, आप देख सकते हैं पहले से ही मैं दिखा चुकी हूँ कि अजवाइन डालना है, तो आपको दो चम्मच अजवाइन, ज़्यादा कुछ भी डालेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और इसमें दो चम्मच हल्दी।
तो मैं 2 चम्मच नहीं मतलब 2.5 चम्मच इससे हल्दी डाल दी हूँ, और ये मिर्च जो है 3 चम्मच है, तो मैं इसको सारा डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कोई भी मिर्ची तीखा होता है तो ही अच्छा लगता है। और ये है हमारा आमचूर पाउडर, तो ये भी 3 चम्मच है, तो ये मैं सारा डाल दे रही हूँ क्योंकि खट्टा होगा। और ये जिसको आप कलौजी बोलते हैं, हम लोग मंगरेला बोलते हैं, तो ये भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1 चम्मच बहुत है, नहीं तो दांत में लगने लग जाएगा। और ये नमक आप स्वाद अनुसार देंगे, तो मैं इसमें दे रही हूँ लगभग 3 चम्मच, मैं अपने मिर्ची के हिसाब से दे रही हूँ 3। और ये लास्ट में है हींग, तो ये जो मैं दूंगी तो थोड़ा सा तेल कड़का कर इसमें डाल के दूंगी। और ये हमारा है ये सरसों तेल, अब इसके अंदर मैं सरसों तेल कम से कम 200 ग्राम मिलाऊंगी। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा अपने चम्मच के सहारे से मिलाऊंगी, और यदि थोड़ा सा तेल की ज़रूरत और पड़ेगी तो मैं इसमें डालूंगी। जिगर अचार बनाना इतना टफ है, ये बनाने के बाद मुझे पता चला। और सबसे ज़्यादा तो इसकी जो भरने की जो तरीका है, नीचे एकदम से भरा जाए, तो मैं एक एक कर अभी मैं 2, 4, 6, 8 मैं भर चुकी हूँ, और 9वें का ये नंबर है, तो मैं धीरे धीरे इसको भर रही हूँ, देखती हूँ कब तक मैं भर पाती हूँ एकदम से। और अब मैं एक दिन पहले ही एक बाउल को साफ़ करके सुखा कर रख दी थी, तो मैं अब इसमें सारे मिर्च को डालूँगी, क्योंकि इसमें 2 दिन अभी धूप लगना है, तो इसमें अभी तेल नहीं पड़ेगा। और ये जब धूप लगेगा तो ये सारे मिर्च का जो मॉइस्चराइज़र है वो कम होगा, और इससे पानी छूटेंगे, तो अभी मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ धूप दिखाना है, और 2 दिन बाद इसमें तेल जाएगा। तो मैं किसी वीडियो में आपको बना हुआ अचार दिखा दूंगी, और अभी मैं इसे भर कर धूप में डाल दूंगी ताकि इसमें आराम से धूप लग जाए। और अभी हमारे घड़ी में बज रहे 2:30, तो हो सकता है अभी धूप छत पे उतना हो भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे धूप में डालूंगी, और इसे मैं भर रही हूँ। थोड़े मिर्च मेरे बच भी गए हैं, तो हो सकता है मैं कल उसे भर दूंगी, और अभी के लिए तो इतना ही है। तो सबसे पहले मैं इन मिर्चियों को भर लेती हूँ। पढ़ रहा था, मीन्स इसका यहाँ पे रखा हुआ है, बट वो नहीं है अभी, वो जस्ट छत पे गया था तो आइसक्रीम वाले को देख लिया था, तो उसने अभी हम मेरे से 100 रुपीज़ लेकर गया है आइसक्रीम लाने के लिए नीचे से, तो देखते हैं वो क्या लेकर आता है। और इससे पहले मैं दी थी इसे खाने के लिए पनीर, इसको बहुत पसंद है, तो मैं पनीर भुर्जी बना के दी थी, तो उसने थोड़ा खाया है, थोड़ा छोड़ दिया है। और मैं अभी सोच रही थी दोनों माँ बेटा कुछ बात करेंगे और थोड़ा सा फ्रूट का आनंद उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों का होता है 2 टाइम फ्रूट्स खाने का, तो मैं भी फ्रूट लेकर आई हूँ, बट वो गया हुआ आइसक्रीम लाने के लिए, तो देखते हैं कि पहले वो फ्रूट खाता है या आइसक्रीम। स्वस्ति का ये पहला समर का आइसक्रीम है, तो हम लोग करेंगे चेस और इसका आनंद उठाएंगे। हम लोग ने आइसक्रीम को खा लिया है, आइसक्रीम अच्छा नहीं था, बच्चा समझकर वो मेल्ट हुआ हुआ आइसक्रीम दे दिया, पूरा मेल्ट सा था। और स्वस्तिक खा ही रहा है, और अभी हम स्वस्तिक के रूम में बैठे हुए हैं, वो हमारा अंडमान निकोबार
का मेमोरीज कोलाज बनाया हुआ फ्रेम है, बट घर में वैसा कोई जगह नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं उसको फिक्स करा दूँ। वैसे वहाँ पे पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, देखती हूँ उसे कहाँ लगा सकती हूँ। और हमारी फ्रूट्स रखी हुई है तो फ्रूट्स को भी खाना है और स्वस्तिक को भी पढ़ाना है। व्हाट हैपेंड स्वस्तिक, क्या हो गया? आइसक्रीम अच्छा नहीं लगा? मूड क्यों ऑफ है? नथिंग हैपन। पापा को बोलना, दिला देंगे दूसरा आइसक्रीम। पूजा आ गई है और पूजा के हाथों का 3 दिन बाद मुझे चाय मिला है। मीन्स चाय, कॉफ़ी तो मैं खुद भी बना लेती हूँ, शाम का थोड़ा बहुत चाय जो होता है वो पूजा ही लगभग बना के देती है। और अब मैं वीडियो करने जा रही हूँ समाप्त, और मैं कल फिर मिलूँगी, हो सकता है परसों मिलूँगी, तरसों मिलूँगी, आने वाले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।